मेरी आरपीएससी सचिव से मेरी खुद की फोन पर बात हुई और मैंने उनसे बात की परीक्षा तिथि कब जारी होगी, और उनसे बात होने के बाद ही मैंने ट्वीट करके फेसबुक पे सोशल मीडिया पे एक मैसेज डाला इसी वीक के लिए। उन्होंने कहा था कि इसी वीक में हम परीक्षा तिथि की दिशा निर्देश या कैलेंडर जारी कर देंगे, जो ये वीक आज से शुरू हो गया। तो साथियों, आज कल परसों कभी भी इस वीक में आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की परीक्षा तिथि का आपको पता लग जाएगा। अब कौन से महीने में कौन सी परीक्षा होगी इसको लेकर लोग परेशान है। जैसे रीट थर्ड ग्रेड जो जनवरी होगी, लेकिन उसका सिलेबस भी जल्द से जल्द विस्तृत सिलेबस जारी कराने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को लिए असमंजस बनी हुई, मेरी बात हुई, उन्होंने पूछा आप कौन सी कराना चाहते हो। मैंने कहा सर आप बता दीजिए, आपने तय किया होगा। बोले हम तय कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरे सवालों में मुझे फंसा दिया। क्योंकि जब मैं 18 फरवरी को आरपीएससी अध्यक्ष साहब से मैंने मुलाकात की थी, जहां आरपीएससी सचिव साहब भी वहां बैठे थे, उससे पहले सीएमओ में भी मैंने 6 महीने पहले एक मांग रखी थी। शायद जो लोग मेरा कार्यक्रम देखते हैं फेसबुक पर, युवा की लाइव मेरा प्रोग्राम देखते हैं, तो उनको पता होगा कि मैंने आवाज सोशल मीडिया पर उठाई थी और वहां सीएमओ में बात रखी थी, आरपीएससी अध्यक्ष के सामने बात रखी थी। मैंने कहा सिस्टम उल्टा है, क्योंकि आप पहले निचले स्तर की भर्ती करवाते हो और बाद में ऊपर की स्तर की भर्ती करते हो। जैसे आपने रीट पहले करवाई थी, सेकंड ग्रेड कराई थी, फर्स्ट ग्रेड कराई, रीट का जो चयनित अभ्यर्थी वो सेकंड ग्रेड में चला जाएगा, सेकंड ग्रेड का फर्स्ट ग्रेड में चले जाएगा, नीचे की सीट खाली रह जाती है। इसलिए आप सिस्टम को सुधारिए, पहले फर्स्ट ग्रेड कराइए, फिर सेकंड ग्रेड करवाइए और फिर रीट करवाइए, ऐसा करवाइए। सुझाव मैंने 18 फरवरी को आरपीएससी चेयरमैन साहब को और सचिव को दिया था और वही सीएमओ को दिया था। लेकिन जब 21 अप्रैल को फोन किया तो उन्होंने, जब शिक्षा मंत्री ने फोन किया तो उन लोगों ने बताया कि पहले सेकंड ग्रेड करवाएंगे, उसके बाद तमाम युवा बेरोजगार सेकंड ग्रेड की तैयारी में जुड़ गए, क्योंकि पहले सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी थी, उनको लगा सेकंड ग्रेड की पहले भर्ती परीक्षा होगी। और एक बात हमने मजबूती से रखी थी कि हर भर्ती परीक्षा में 3 महीने का अंतराल हो, जिससे बेरोजगार अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सके। ये बात आपने देखा होगा, मंत्री जी के सामने रखी, सोशल मीडिया में रखी। अब सवाल उठे कि अब भर्ती परीक्षा कैसे होगी। कल उनकी बातों से हमें लगा कि हम भी चाहते हैं कि पद रिक्त नहीं रहे, इसलिए हम चाहते हैं अब दोबारा आज इसी वीक में वो चर्चा करेंगे और वो कोशिश इसी वीक में। तो ये निश्चित हो गया कि वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तारीख का कैलेंडर या जो दिशा निर्देश आज पीछे जारी कर देंगे। मेरी खुद की बात हुई थी, मैं कभी भी, आपको पता है कि जब ऑथेंटिक बात होती, क्योंकि मैंने खुद ने बात की थी, मैंने किसी एलडीसी यूडीसी को नहीं पूछा, जैसे वो लोग स्क्रीनशॉट किसी एलडीसी यूडीसी को पूछ के डालते, मैंने डायरेक्ट बात की थी जो मैंने आप लोगों को अवगत करवाया। अब इस वीक में परीक्षा तिथि जारी हो जाएगी, लेकिन वो कह रहे कि आप मांग ये कर रहे थे पहले कि जो पहले फर्स्ट ग्रेड कराओ, फिर सेकंड ग्रेड कराओ, थर्ड ग्रेड कराओ, तो जिससे बोले कि छोड़ के नहीं जाए, इस समस्या का हल अभी हम करना चाहते हैं। एक चीज और उन्होंने बताई कि हम 3-3 महीने का अंतराल देंगे, अगले साल में यदि हम भर्ती परीक्षा करवाते हैं, हमारे जो आरपीएससी का और सरकार का उद्देश्य यही है कि हम इस साल फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा करवाकर और अगले मार्च अप्रैल तक रिजल्ट निकालकर हम अभिशंसा बीकानेर निदेशालय को भेजकर, और हम लोग चाहते हैं कि आचार संहिता लगे सितंबर अक्टूबर में, उससे पहले फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो जाए। इसलिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा इसी साल करवाएंगे, आरपीएससी सचिव ने बताया, इसी साल। अब अक्टूबर में फर्स्ट ग्रेड होगी या सेकंड ग्रेड होगी और नवंबर दिसंबर में कौन सी होगी, तो अंतर 1-2 महीने का रहेगा। यदि पहले फर्स्ट ग्रेड करवाते हैं तो 1-2 महीने बाद, यानी कि 1 महीने या 2 महीने बाद ही सेकंड ग्रेड होगी। अंतर ज्यादा दोनों भर्ती परीक्षा में नहीं दे रहे, वो बात जो 3 महीने का मांग कर रहे तो वो नहीं कर रहे, वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि भर्ती परीक्षा करते करते बोले सितंबर आ जाएगी, हम अगले साल एग्जाम करवाएंगे, 3-3, 4-4 महीने का समय देंगे बीच में, तो फिर आचार संहिता लग जाएगी, ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए हम इसी साल दोनों भर्ती परीक्षा ही कर पाएंगे। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, पहले सेकंड ग्रेड के लिए शिक्षा मंत्री जी को बोला था, शिक्षा मंत्री जी ने मीडिया में बोला था, मीडिया ने भी चलाया था, मैंने भी आप लोगों को बताया था। लेकिन अब आरपीएससी ने आचार संहिता को मद्देनजर रखते हुए और जो पद जैसे थर्ड ग्रेड में जिसका चयन हो गया वो सेकंड ग्रेड में चयनित होकर चला गया, कहीं फर्स्ट ग्रेड में चयनित होकर चले जाते, वो सीटें खाली रह जाती है, इसलिए उन्होंने वो इस पर विचार कर रहे हैं कि पहले फर्स्ट ग्रेड, फिर सेकंड ग्रेड, फिर थर्ड ग्रेड। ये इस तरीके से परीक्षा प्रणाली को सुधारने की कोशिश करें, जो मेरे द्वारा 6-7 महीने पहले उठाई गई थी, उसी पे वो कह रहे हैं कि आपने ये मांग उठाई थी। तो मैं निःशब्द था, मैं बोल नहीं पाया क्योंकि ये मांग मैंने उनके सामने रखी थी, लेकिन मैंने कहा जो भी निर्णय लेना जल्द ले, विद्यार्थी तैयारी के लिए जुटे हुए, असमंजस की स्थिति में किसकी तैयारी करे। तो साथ ही उन्होंने मेरी बात को माना, उन्होंने ये कहा कि इस वीक में दिशा निर्देश जारी कर देंगे। ये आप लोगों के संदेश